हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र पटेल। और आज के इस वीडियो में आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो एक प्रॉब्लम के बारे में है जिसका नाम है DLL मिसिंग। आपके कंप्यूटर में आप जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या फिर कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक DLL मिसिंग वाली प्रॉब्लम आती रहती है। और वो कैसी आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मेरे पास है रेजिडेंट इविल विलेज की गेम है जो मैंने इंस्टॉल की थी। तो जैसे इस गेम को मैं लॉन्च करता तो आपको मैं दिखा देता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम शो हो रही है। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है तो कोड एग्जीक्यूट कांट प्रोसेस बिकॉज AMD AGS X64 DLL मिसिंग। ठीक है, ये नॉट फाउंड, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई भी हो सकता है, ये DLL फाइल जगह पे यहां पे लिखा है AMD AGS किसके इसके आगे यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, बाकी प्रॉब्लम जो है DLL मिसिंग की ही प्रॉब्लम है। तो उसको आपको कैसे फिक्स करना है वही पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो यहाँ पे जो लिखा होगा AMD AGS X64 DLL, वो आपको जो नेम है वो याद रख लेना है। ठीक है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, तो ब्राउजर में आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है, जो यहाँ पे जो मिसिंग वाली फाइल है ना DLL वाली, वही आपको यहाँ पे सर्च करना रहता होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ AMD AGS 64 DLL। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सर्च किया था तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसे सिंपल यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ तो आपके सामने ऐसी पेज ओपन हो जाएगी। तो अभी आपको करना ये है कि यहाँ पे जो सबसे पहली वाली जो दिखा रही है ना DLLfile.com, ये वाली साइट के ऊपर आपको जाना है। ठीक है, और मेरे कंप्यूटर में मैं यही फाइल यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारी आप DLL जो मिसिंग वाली कोई भी फाइल अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ से सिंपल मिल जाती है। तो अभी आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है, तो सिंपल इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ वर्जन दिए हुए हैं कि कौन सी फाइल है। ओके, तो यहाँ पे जो ये फाइल है वो 5.4 वर्जन की है, 5.2, यानी कि इसके जो ओल्ड वर्जन थे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट वर्जन है वही डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या शो होता है एक्चुअल में। और यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारे स्टार्ट होने वाली है। ओके, सिंपल हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे हो गई है। तो इसे मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। और इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी हमको क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। सिंपल ये जो फाइल है अभी हमारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, अभी गई कहाँ पे वो देखना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके ओके ओके, ये रही, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फाइल दिखा रही ना मिसिंग AMD AGS X64.dll, देखिए इसका और इसका जो नेम है सेम है, यानी कि ये जो फाइल एक सेम फाइल है। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, अब इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। और इसकी हम लोग फाइल जो होती है यानी कि गेम की डायरेक्शन होती है, यानी कि आप किसी भी अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई भी, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि ये गेम में ही प्रॉब्लम आए, कोई अनदर एप्लीकेशन में भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी जो लोकेशन हम उसको ओपन कर लेते हैं, ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे पूरे गेम की जो डेटा फाइल से वो आ जाएगी। इसी तरह से आपको अगर आप कोई एप्लीकेशन में फिक्स करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की फाइल आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ से पेस्ट कर देना है। ओके, ये फाइल यहाँ पे आ गई, इसे क्लोज कर देंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि यह लॉन्च होती है या नहीं होती है। ठीक है, और यस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो गेम है फुल्ली लॉन्च हो चुकी है, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर में जो DLL वाली जो मिसिंग वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप कोई भी अगर आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई गेम में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से उसकी जो DLL फाइल वाली जो मिसिंग की प्रॉब्लम्स होती है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अगर आपके कंप्यूटर में कोई अनदर प्रॉब्लम्स आती रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर जो फिक्सिंग वाले कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो भी हमारे जो गेमर्स हैं यहाँ पे, जो भी हमारे जो विजिटर अभी देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम पूरी तरह से लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।